बस्तर की मूल निवासी अपने पुरखों के विशिष्ट रीति रिवाज, परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए हैं और पूरी शिद्दत से उसका अनुसरण भी कर रहे हैं, जिसपे बस्तर के सभी मूल निवासी हर एक पर्व अपने पुरखों और प्रकृति को समर्पित होता है। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण पर्व है नयाखानी और ठाकुर जोहरनी भी है। कुंडागांव जिले में सर्व समाज के द्वारा पहली बार इस वर्ष जिला स्तरीय ठाकुर जोहरनी पर्व 18 सितंबर को फरसगांव जनपद स्कूल मैदान में केशकाल विधायक संतराम नेताम के मुख्य अतिथि व ST/SC/OBC मूल्य निवासी समाज समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष फरसुराम सलाम की अध्यक्षता में हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमे सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बस्तर के मूल निवासियों के अनुसार ठाकुर जोहरनी को गायता जोहरनी भी कहा जाता है। गांवों में गायता गांव का प्रमुख होता है, मतलब गायता के निर्देश से पूरे गांव में निवासरत लोग चलते हैं। किसी चीज की कमी बेशी, सुख दुख, जन्म विवाह आदि कार्य गायता के बिना संपन्न नहीं होते। आदिवासी समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। खेत में सबसे पहले बीज गायता ही डालता है, उसके बाद पूरा गांव बीज बोनी का कार्य करता है। नया फसल तैयार होने के बाद अपने देवी देवताओं व पुरखों को नया फसल अर्पित करने के बाद आदिवासी समाज नयाखानी महापर्व मनाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक संतराम नेताम ने बताया, इस दिन नए फसल के अनाज से भोजन बनाकर अपने देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। सामूहिक भोज कर अपने समाज के समक्ष पारंपरिक नृत्य गीत भी प्रस्तुत करते हैं। सर्व समाज इस वर्ष पहली बार है कि एक साथ ठाकुर जोहरनी पर्व मना रहे हैं। ये एकता की मिसाल है। इस तरह का आयोजन सभी जिलों में होना चाहिए। ठाकुर जोहरनी त्योहार में शामिल होने के लिए जिले के नर्तक दल पहुंचे। पारंपरिक रंग बिरंगी व मूल वेशभूषा पहनकर मांदरी नृत्य, कलार समाज ने सुवा नृत्य, बंजारा समाज का डंडा लड़ी नृत्य, साहू समाज का कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, नगाड़ा ढोल सहित पारंपरिक गीतों के साथ लोगों के बीच प्रस्तुत हुए। नृत्य के सर्व समाज के लोगों का और अधिक उत्साह बढ़ाया। मूल वेशभूषा में आए लोगों ने बताया, आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति और कला के लिए अलग पहचान रखता है, जिसको बरकरार रखने के लिए समाज के लोग रंग बिरंगे मूल वेशभूषा में शामिल होने पहुंचे हैं। आज यहां पर ठाकुर जोहरनी कार्यक्रम है, जिसमें बस्तर क्षेत्र में जब नए अनाज आते हैं तो उसको लेकर के यहां पर हर समाज के लोग आज अपने अपने इष्ट देवताओं को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इसके पीछे जो मूल भावना है वो है सामाजिक सौहार्द की स्थिति निर्मित करने का, और इसमें जो आयोजक गण हैं आज उनकी सफलता यहाँ पर देखने को मिल रही है। इतने भारी तादाद में इस क्षेत्र में रहने वाले सभी 12-14 जो यहाँ के मूल निवासी समाज हैं आज यहाँ पर एक मंच में आए हुए हैं, और बड़ा ही खुशनुमा माहौल है यहाँ पे। युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सांस्कृतिक दल के लोग हैं, मांझी हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, सारे लोगों का आज यहाँ पर एक जगह इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि अब धीरे धीरे बस्तर जो है आगे की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। बस्तर का महापर्व नयाखानी के बाद हमारी एक संस्कृति और परंपरा रही है कि हम लोग गायता ठाकुर जोहरनी का कार्यक्रम रखते हैं। विगत पिछले जो वर्षों में हमारे SC और ST के द्वारा ये कार्यक्रम रखा करते थे, पर एक नई पहल, एक नई सोच हमारे SC ST के और हम OBC के वर्ग के लोगों ने आज एक बड़ा भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम गायता ठाकुर जोहरनी कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें 12 समाज के लोग, वहाँ के पूरे हमारे विधानसभा के सारे साथी यहाँ पर आए और बड़े ही धूमधाम से हमारे यहाँ के गायता पुजारी धरती माता का पूजा किए। 12 समाज के पूर्वजों को उन्होंने प्रसाद के रूप में चिवड़ा चावल के रूप में उन्होंने चढ़ाया। उसके बाद यहाँ पर हमारे अतिथियों का सम्मान हुआ और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होकर इस महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाए। मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि हमारे जिला कुंडागांव से ये महापर्व की शुरुआत हुई है। आने वाला समय में ये जो ST/SC की जो शुरुआत है पूरे बस्तर संभाग में और सर्वोच्च संभाग में भी इसका संदेश जाएगा। मैं सभी हमारे आयोजन समिति के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नई सोच के तहत में हमको एक मंच में, एक जगह हमारे पूरे समाज को ला के खड़ा किया है। मैं सभी हमारे आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करूँ।
फरसगांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।